हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं सर नायक की सीरीज़ की सर दमन का अगला भाग। हाँ, तो मैं कह रही थी, अपना अंत समय निकट आने पर महर्षि कर्णाद ने अपने शरीर से मैं संचित समस्त ऊर्जा को अपने एक कर्ण में समाहित किया और उस कर्ण को अपने शरीर से अलग कर यहाँ कर्णाद ग्रह पर भेज दिया ताकि उनकी संचित ऊर्जा का आश्रय शक्तियाँ दुरुपयोग न कर सकें। इस पूरे ग्रह में तो इतने असंख्य कर्ण फैले हैं जिनकी गणना भी नहीं की जा सकती। आप दोनों को इन्हीं असंख्य कर्णों में से महर्षि कर्णाद का वो देव कर्ण ढूंढना है, वो भी अगली 3 घड़ी के भीतर ही। ये 3 मिनट की डेडलाइन क्यों? कंपटीशन तो वैसे ही टफ था क्योंकि 3 मिनट में कर्णाद ग्रह की जीवन अवधि भी समाप्त हो जाएगी और यह संपूर्ण ग्रह खंडित हो जाएगा और यहाँ तैरते असंख्य कर्णों के साथ ही वह महर्षि कर्णाद का वो देव कर्ण भी अंतरिक्ष में सदा के लिए खो जाएगा। वरदार हम के लिए वीरों, अनगिनत तैरते कणों में से एक कण कैसे तलाशेंगे? 12, 14, 19, 30, 35, 40, ये क्या कर रहे हो? जब मुझे डर से ज़्यादा टेंशन होती है और फ्रस्ट्रेशन होता है तो मैं उसे इसी तरीके से निकालता हूँ। 45, 50, वो तो मुझे भी हो रहा है। रुको, मैं भी आता हूँ। 70, 72, 80, 1, 2, 4, 10। उफ, ये मर्द, इतने असंख्य कर्णों में कौन सा होगा महर्षि कर्णाद का दिव्य कर्ण? ये सभी तो एक जैसे ही लग रहे हैं, इनमें दिव्य कर्ण को कैसे पहचानूंगा? अरे, ये कर्णों के बादल कैसे छिट रहे हैं? क्योंकि परमाणु ने निश्चित समय अवधि में कहीं पूर्व महर्षि कर्णाद के दिव्य कर्ण को ढूंढ लिया है। यह संभव है? इतने असंख्य कर्णों में से तुमने इस कर्ण की शीघ्र कैसे तलाशा? उसी विज्ञान की मदद से जिसका तुम मजाक बना रहे थे। इस ग्रह पर मौजूद सभी कणों में से सिर्फ एक दिव्य कण ही ऐसा था जिसमें महर्षि कर्णाद की असीमित ऊर्जा संचित थी। मेरे बेल्ट में लगी एनर्जी फाइंडर ऊर्जा खोजी यंत्र ने उस असीमित ऊर्जा के स्रोत का स्थान तलाश लिया और मैं कण तक पहुँच गया। इसके साथ ही प्रतियोगिता के इस चरण में परमाणु में विजय प्राप्त कर लिया है। अब समय आ गया है वापस चलने का क्योंकि कर्णाद ग्रह नष्ट हो रहा है। जीत मुबारक हो वंडरमैन, आपने प्रतियोगिता को और दिलचस्प बना दिया है। परमाणु यह छल है, पक्षपात है। प्रतियोगिता के चरण परमाणु की शक्तियों के अनुकूलता स्पर्धा बराबरी की होनी चाहिए। आप प्रतियोगिता के स्वरूप से असंतुष्ट नहीं है शुक्र जैसे शुक्राल? प्रतियोगिता का स्वरूप दोनों प्रतिभागियों की सामर्थ्य के अनुरूप होना चाहिए, ना कि किसी एक के। फिर आपने अपनी यह असंतुष्टि उस समय क्यों नहीं प्रकट की जब प्रचंडा ने अग्निदेव की शक्तियों का प्रयोग कर आपके गुरु शुक्राचार्य द्वारा रचित से आशित्र पर विजय प्राप्त की थी? युगम द्वारा आयोजित सरनायक प्रतियोगिता का उद्देश्य सिर्फ एक है, श्रेष्ठ नायकों का चयन। जीत प्राप्त करने के लिए आप साम दाम दंड भेद किसी भी कूटनीति या राजनीति का प्रयोग करने को स्वतंत्र हैं। यहाँ नो होल्ड्स बॉर्ड का रूल चलता है। सिर्फ शक्ति आप सभी नायकों के पास है। आप उसका प्रयोग कब और कैसे करते हैं यह आपकी जीत या हार निर्धारण करेगी। और हार की तलवार अभी भी आपके सर से हटी नहीं है वंडरमैन। यदि अगली स्पर्धा में आप जीते हैं तो 2-2 की से बराबरी, अन्यथा 3-1 से हार। उससे पहले महर्षि कर्णाद के दिव्य कर्ण का क्या होगा? अरे, यह कर्ण तो मुझे संवारा है। दिव्य कर्ण ने अपना योग धारक चुना है, इसका क्या मतलब हुआ? कुछ सवालों के उत्तर समय से हम ही दे देता है वंडरमैन, प्रतीक्षा करें। फिलहाल आपकी प्रतियोगिता के अगले चरण का समय हो चला है जहां एक बार फिर अवधि आप दोनों को लेकर जाएगी। जाने अब कौन सा नज़ारा पेश आने वाला है। 1150, हम 1272, हम सही समय पर वापस आए। शुक्रशेष प्रतियोगिता का चौथा चरण आरंभ ही होने वाला है। त्रिदेव से प्रार्थना करो कि प्रचंडा इस चरण में ही विजय प्राप्त कर ले। महर्षि कर्णाद की शक्ति परमाणु को मिलना हमारे लिए ठीक नहीं हुआ। मैं अभी भी यही कहूँगा कि युगम ने प्रतियोगिता का स्वरूप निष्पक्ष नहीं रखा। यह स्थिति हमारे प्रतिकूल है। प्रतिकूल स्थिति को भी अपने अनुकूल बनाना ही एक महानायक की असली पहचान है शुक्राल। वैसे मैं युगम की स्पर्धा नीति को पक्षपाती नहीं मानता। अभी तक चरणों में स्थिति दोनों महानायकों के लिए समान रूप से प्रतिकूल रही है। अब देखना यह है कि दोनों में से कौन प्रतिकूल को अनुकूल करने की अधिक क्षमता रखता है। एक और विशेष स्थान, हम गंतव्य पर पहुंच गए वीरों। यह प्रतियोगिता तो हर चरण के साथ जटिल होती जा रही है। क्या है ये?
यह पंचतत्व स्थान है वीरो। देवताओं के सृजन से भी पूर्व ब्रह्मांड की संरचना करने हेतु भगवान विष्णु और प्रजापति ब्रह्मा और महादेव शिव ने पंच महाभूतों का सृजन किया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई। पंचतत्व स्थान से देवता रचित वो प्रतिमान है जिसके आधार पर ब्रह्मांड और जीवन की उत्पत्ति हुई है। यार तुम लोग इतनी कठिन हिंदी क्यों बोलते हो? अभी प्रतिमान क्या है? भाषा कोई भी हो, उसका शुद्ध या सही स्वरूप में प्रयोग किया जाना ही उसकी गरिमा बढ़ाता है। यानी यह जगह त्रिदेव द्वारा तैयार किए गए 5 एलिमेंट्स का डमी मॉडल है। देवनागरी तो स्वयं देवों की भाषा है, उसमें त्रुटि या शुद्ध आर्यवंशियों को शोभा नहीं देती। वैसे आपकी सुविधा के लिए बता दूँ, प्रतिमान का अर्थ होता है डमी मॉडल। जैसे आपके युग में गगनचुंबी भवन निर्माण से पूर्व उनके डमी मॉडल तैयार किए जाते हैं, कुछ वैसा ही। सही समझे, हमें करना क्या है? अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर इस स्थान पर एक दूसरे द्वंद करना है, लड़ना है। पर कब तक लड़ते रहेंगे? जब तक आप में से कोई एक लड़ पाने योग्य ना बचे। वो क्या कहते हैं आपके युग में, हाँ, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। आप दोनों को मेरी शुभकामनाएं वीरो। आशा करते हैं आप अपनी शक्तियों का न्याय उचित प्रयोग करेंगे। आपकी स्पर्धा आरंभ होती है अब। औपचारिकता और शिष्टाचार बहुत हुआ, अब सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। औपचारिकता और शिष्टाचार का बहिष्कार, वाह क्या कहने मेरे यार। अब जब तुमने अपनी सुनाई दिया तो धूम बूम, जरा मैं भी कर लूँ बूम बूम। उफ, परमाणु की आणविक वारों की शक्ति का नमूना मैं पहले ही देख चुका हूँ। छपैक, ऐसे 2-4 आणविक वार और लग गए तो मैं वाकई खड़ा होने योग्य नहीं रहूँगा। इस बार तो इस जलप्रपात ने बचा लिया। अद्भुत है यह जलप्रपात, आप इसी जलता इसकी शीतलता ने न सिर्फ आणविक वारों की त्रिपीणा को तक्षण ठीक कर दिया, बल्कि मेरे पूरे शरीर में नव ऊर्जा का संचार कर दिया है। रुश रुश, इस प्रपात ने भले ही मेरे घाव भर दिए, पर इस प्रपात करते हुए परमाणु को इतने घाव देगा कि वह उनकी गणना भी नहीं कर सकेगा। रुश, अगर मेरे गैजेट्स और कॉस्ट्यूम के सर्किट पर फाइन वाटर प्रूफ लेयरिंग नहीं होती तो इसका राउंड समापन अभी मेरे हाथ हार के साथ हो गया होता। वैसे मेरी पोशाक के शौक एब्जॉर्बिंग लेयर ने इस बार तो पानी के प्रचंड वेग से मेरे एकदम को चूटने से बचा लिया, पर भाखरा नंगल डैम का यह वाप अगर मुझ पर यूँ ही बरसता रहा तो मेरी अस्थियाँ प्रवाहित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छपैक, यह शुक्राल को युगम से अब शिकायत नहीं होगी, यह तो फाउल प्ले है। प्रचंड अपंच तो की शक्ति का धारक है और स्पर्धा ऐसी जगह हो रही है जो पंच तत्वों का केंद्र है। ऐसे में परमाणु से जीतने की उसकी चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि जो हम देख समझ रहे हैं वहाँ जाओ उससे अलग है कुछ। तुम कहना क्या चाहते हो ध्रुव? यही कि अगर युगम को पक्षपात करके प्रचंडा को ही जाना होता तो स्पर्धा 4th नंबर की बजाय 3rd नंबर पर होती और प्रचंडा इसे 3-0 से जीत लेता। ऐसा नहीं होना साबित करता है कि इस स्पर्धा में भी दोनों सुपर हीरोज को जीतने के समान चांसेस मिलने वाले हैं। फिलहाल तो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है ध्रुव। थोड़ा पानी की मार से निपटने का उपाय ही नहीं सूझा अभी तक कि इस कंबख्त ने मुसीबत कराए वाला अपग्रेडेशन कर दिया है। अद्भुत, पंचतंत्र स्थान तो सर्वतुल है, असीमित शक्तियों का भंडार है। या ऐसे शक्ति हैं जिसका स्वामी सिर्फ प्रचंडा है, सिर्फ प्रचंडा। पानी और चट्टानों के मार से या मुझे उस वायु चक्रवात के भीतर ढकेलने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार खुद को इस चक्रवात की चपेट में आने से नहीं बचा सका मैं। इस चक्रवात तो उस आग उगलते ज्वालामुखी की ओर बढ़ रहा है। ज्वालामुखी से निकलते त्रिवग्नि की उष्मा ने परमाणु को अब तक अवश्य मूर्छित कर दिया होगा। यह चरण और प्रथम प्रतियोगिता तो मैं जीत ही चुका हूँ, अब चलकर परमाणु को ज्वालामुखी से निकाल लिया जाए। वाह क्या कर्तन है, मेरे तो आंसू ही निकल गए। अब तुम्हारे व्यास निकलेंगे प्रतियोगिता जीतने के बिखरे अरमानों के साथ। परमाणु तुम सही सलामत ज्वालामुखी से बाहर कैसे आ गया? अपने एंटीलावा सूट की मदद से, जो कि सूक्ष्म रूप में ही मेरी बेल्ट में मौजूद था और जिसे ज्वालामुखी में गिरने से पूर्व ही मैंने धारण कर लिया था। अब इसे पहनने रहने की कोई जरूरत नहीं। एंटीलावा सूट डीएक्टिवेट, अपने उष्मा निरोधी कवच को उतारने से जल्दी कर दी तुमने। परमाणु का प्रचंडा तुझे इसे पुनः धारण करने का अवसर नहीं देगा। बूम, यह ठीक नहीं है। क्या हुआ भूकाल? प्रचंडा की स्थिति तो द्वंद्व में बेहद सुदृढ़ है, फिर तुम चिंतित क्यों नजर आ रहे हो? क्योंकि विजय प्राप्त करने के आवेश में प्रचंडा अधीरतापूर्वक कार्य कर रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें स्मरण नहीं द्वंद आरंभ होने पर पूर्व क्या कहा था? अपनी शक्तियों का न्यायोचित प्रयोग करें। प्रचंडा अपने बजाय पंचतत्व के प्रतिमान की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।
वो कहा से सहमत हूँ मैं, जीत की लालसा ने प्रचंडा की तर शक्ति को नष्ट कर दिया है, कहीं उसकी अधीरता उसकी जीत की संभावना को ना नष्ट कर दे। बूम बूम बूम, धरती पर पूर्व काल के तीन युगों का ही अधिकार है परमाणु, तुम कलयुगियों ने सिवाय पाप और धर्म के दिया ही क्या है धरती को, तुम्हें पराजित कर अपने युग की रक्षा हेतु शक्ति का ही कतरा लगा देगा प्रचंडा आज। हम कतरा कतरा तो परमाणु भी लगाएगा आज प्रचंडा, जीत का जश्न तो नहीं माना है लग गया तू, हम देख अभी सीना तानी खड़ा है परमाणु, अधिक देर तक नहीं खड़ा रहेगा, पंचतंत्र प्रतिमान की समस्त शक्तियों का वार करूंगा मैं तुझ पर, अग्नि जल वायु धरती आकाश सबकी शक्तियाँ स्वयं में समाहित करनी होगी मुझे, पंचतंत्र प्रतिमान में पंचमहाभूतार प्रचंडा तुम्हें अपनी समस्त शक्तियाँ मुझे समाहित करने का आदेश देता हूँ। देख परमाणु देख, यह है प्रचंडा की प्रचंड शक्ति ट्रांसमिट बूम, हाँ भला गायब होकर कब तक तू बचेगा, तेरा तुच्छ विज्ञान तेरी रक्षा नहीं कर सकता, एक क्षण यह क्या हो रहा है, मैं पंचतत्व प्रतिमान की शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, यह तो मेरे शरीर में समाहित होते चली जा रही हैं, मेरी शरीर इस प्रतिमान की संपूर्ण पंचतत्व शक्ति को नहीं समा सकता, यह दबाव मुझसे सहन नहीं हो रहा, प्रतीत होता है कि मेरा शरीर पर केवल के भांति फट जाएगा, पंचतत्व विज्ञान के सिद्धांत से प्रदेय नहीं है, ऊर्जा की तरह ही अणुओं का प्रभाव भी अधिक से कम की ओर होता है, जब प्रचंडा ने अपने पंचतत्व निर्मित शरीर के प्रतिमान के पंचतत्व शक्तियों की सोखना शुरू किया तो इसका अणुविक भाव बांध तोड़कर प्रचंडा में समाने लगा, जहाँ पंचतत्व अणुओं की संख्या प्रतिमान के मुकाबले कम है, पर ऐसे तो आगे प्रचंडा का शरीर फट जाएगा, मुझे सबसे पहले प्रचंडा को सुरक्षित करना होगा, परमाणु शील्ड एक्टिवेट, यह शील्ड कुछ क्षणों तक ही प्रचंडा को सुरक्षित रख पाएगी, मुझे फौरन ही पंचतत्वों को काबू में करने का कोई उपाय सोचना होगा जो कि प्रचंडा के शरीर में ना संभाल के वैसे भी काबू होकर चारों ओर फैल रहे हैं, पर मैं भला पंचतत्वों के मुकाबला कैसे कर सकता हूँ, एक तरीका है पर पता नहीं वह काम करेगा या नहीं करेगा, महर्षि कनाद का उद्योगकरण जो मेरे शरीर में समा गया था, महर्षि कनाद आंतरिक ऊर्जा के नियंत्रण करने में सक्षम थे, उम्मीद है कि यह देवकरण नियंत्रित पंचतत्व को काबू में कर लेगा, यह काम कर रहा है, पंचतत्व स्थिर हो रहे हैं, अरे ये तो मेरी ओर आ रहे हैं, ये सभी पंचतत्व तो मेरे आणविक रूप में समा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, महर्षि कर्णाद का देवकंड किसी भी प्रकार की आणविक संरचना को नियंत्रण कर सकता है, पंचतत्व को भी देवकंड ने परमाणु को बना दिया है, पंचतत्व परमाणु, हम पंचतत्व मेरे शरीर में से निकल कर सामान्य रूप में प्रतिमान में स्थापित हो रहे हैं, युगम धरित्री से इस स्पर्धा में जीत की बधाई हो पंचतत्व परमाणु, वापस युगम क्षेत्र में लौटने का समय हो गया है, एक महान आयु का कर्तव्य सिर्फ धर्म रक्षा नहीं होता, उसे करने का मार्ग आदर्श और न्यायोचित होना भी आवश्यक है, जब अवधि ने आपको बताया कि पंचतत्व स्थान ब्रह्मांड में भगवान की बसाई सृष्टि का ही प्रमाण है, तभी यह बात स्थापित है कि इसका दुरुपयोग आप पर भारी पड़ेगा, हमारी प्रकृति भी ऐसी होती है, जब घायल प्रचंडा प्रतिमान के जल प्रपात में गिरा तब जल प्रपात ने न केवल उसके घाव भरे अपितु उसे नव ऊर्जा भी प्रदान की, परंतु प्रचंडा भी वही भूल कर बैठा जो अक्सर मनुष्य प्रकृति के साथ करता है, प्रकृति की शक्ति का अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु हनन करने की जो गलती मनुष्य करता है वही प्रचंडा ने भी की, नतीजन जैसे प्रकृति समय समय पर मानव सभ्यता से उसके हनन का बदला उसके विनाश के रूप में लेती है, वैसे प्रतिमान ने प्रचंडा का ही विनाश करने का ठान ली, मैंने कहा था वीरो अपनी शक्ति का न्यायोचित प्रयोग करना, मुझे अपनी गलती का बोध है, जिस पंचतत्व ने मुझे अस्तित्व दिया उसका ही अज्ञातवश हनन करने का मैं दोषी हूँ, सर्वनायक प्रतियोगिता मात्र आपकी शारीरिक की आती मानव शक्ति का परीक्षण नहीं है, यह आपकी बौद्धिक और व्यवहारिक कुशाग्रता और न्यायपरायणता का भी परीक्षण है, इस स्पर्धा को समाप्ति और वंडरमैन परमाणु की जीत के साथ हम प्रथम प्रतियोगिता दो दो की बराबरी पर है, परमाणु परमाणु उड़ रहे, जीतेगा भी जीतेगा अपना परमाणु जीतेगा, अब तुम लोगों को पुशअप्स नहीं करने, अभी आखिरी निर्णायक स्पर्धा तो बाकी है, मेरे 1500 हुए थे, अरे हाँ यार फिर टेंशन बढ़ गई, आ जा भाई बेड़िया, तृतीय अध्याय समाप्त, परिशिष्ट अध्याय, अब गरुणा के सब्र का और इंतहा मत लो, सीधे सीधे बता दो मेरा मित्र भेड़िया कहाँ है, वरना किसी जंगल ली सूकर की तरह अपने पंजों में चीर डालूंगा, मैं बहुत सुन ली तेरी बकवास, हमारे पास तुझसे वाद विवाद करने का समय नहीं है, परे हट, इस पूरे क्षेत्र को खाली कराना, यह जंगल ना भेड़िया का बाप है और ना तुम्हारे बाप का, ये जंगल मेरे बाप का था और अब मेरा है, कायुला तुझे होश आ गया, साथ में दौड़न तन तन्ना बागड़ बिल्ली अल्फांटो और मुगाम्बो भी,
जंगल की सुरक्षा के नाम पर देवता बने भेड़िया, और तुमने हमेशा जंगल के भोले भाले प्राणियों को डरा धमकाकर उन पर राज किया है, और अभी आए हमें हमारे जंगल से निकालने। इनके शरीर पर इनके पिंजरे फिर बाहर निकाल लेंगे हम। कौन किस पर भारी पड़ेगा या तो तभी तय होगा जब दोनों ओर से मुकाबला बराबरी का हो। अब रास्ता छोड़ो या दुनिया छोड़ो। कौन दुनिया छोड़ेगा इसका फैसला तो जल्द ही होगा, तो देर किस बात की है, शुरू करो। सभी प्रेत मेरे थर थर काँपते हैं और इस कंबक को देखकर तो मेरे शरीर में झुरझुरी होने लगी हैं। हाँ अब बता, क्या कह रहा था तू दुनिया पर राज करने के बारे में? हम असंभव, कोई प्रेत इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि हमको परास्त कर दें, क्योंकि मैं प्रेत नहीं मुर्दा हूँ, जिंदा मुर्दा इंसानी गुनसालवेज। बड़े काम का मुर्दा है तू, बस तेरी लगाम थोड़ी कसनी पड़ेगी, धूम धड़ाक, उसके बाद तू काउंट ड्रैकुला की डेडिंग का सुपरस्टार बनेगा। सरनायक द्वितीय खंड समाप्त, महागाथा जारी रहेगी आगामी कॉमिक्स संग्राम में। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।